नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद कन्नौज डिंपल यादव का जन्मदिन राजवीर सिंह यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी औरैया ने लगभग 2000 गरीब पुरुष महिलाओं को कम्बल बांटकर एवं केक काटकर खिचड़ी भोज कराया एवं राजवीर सिंह यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद डिंपल यादव का भव्य तरीके से अपने गांव जलकड़ू डेबियापुर में जन्मदिन मनाया। यहां पर मुख्य अतिथि राजपाल सिंह कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछला वर्ग उत्तर प्रदेश एवं महेश आर्य पूर्व सभापति अम्मी जैन, MLC राम बक्स वर्मा पूर्व राज्यसभा सांसद एवं प्रदीप यादव पूर्व विधायक सांसद विनोद यादव, राम नरेश यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख एरबा कटरा, इंद्रपाल सिंह पाल पूर्व विधायक श्याम बाबू, रचना सिंह, ओम प्रकाश ओझा, सर्वेश गौतम, महेश कठेरिया, धर्मेंद्र यादव जिला अध्यक्ष युव जनसभा, पुति यादव, वीरेंद्र राजपूत, राजेश यादव, तिलक यादव, ओके चौधरी, शिव कुमार गौतम एडवोकेट आदि समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूर्व सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। गरीब जनता को जो आज यहाँ पर आते हुए आज श्रीमती डिंपल यादव जी के जन्मदिन पे हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो भारतीय संस्कृति, संस्कार और शालीनता का प्रतीक है, और जन्मदिन पे उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आज जिस तरीके से गरीबों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 रुपए महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी थी, कन्या विद्याधन दिया था, सब बंद हो गया महिलाओं का, और ये आज जन्मदिन महिला सशक्तिकरण के रूप में श्रीमती डिंपल यादव जी का, हमारी पार्टी के सभी नेता का श्रद्धा मिलो। प्रेजेंट टाइम की सरकार के जो पुलिस विभाग है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुर्म ढा रही, इसके विषय में क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार आ गई है, अघोषित इमरजेंसी है, और इमरजेंसी के समय में भी समाजवादियों ने ही लड़ा था, और अब भी समाजवादी लड़ेंगे और इस सरकार को हटाएंगे, बेदखल करेंगे। अंग्रेजों की भी हुकूमत से बदतर हुकूमत आ गई है, और अघोषित इमरजेंसी के लिए इसको हटाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में होगा। अभी फिलहाल में ही जो बिम्बा का पक्कीकरण का जो निर्माण कार्य चल रहा था, एक जगह यहाँ पास में भराऊ पड़ता है, वहाँ पर करीब 200 बीघा जमीन किसानों की बर्बाद हो गई, और आज तक कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा तक नहीं उनका, उनकी जमीन को देखने के लिए। खेती, अरे इनको बीजेपी वालों खेती किसानी से क्या मतलब, ये तो लूट रहे हैं, खेती किसान को भी लूट रहे हैं, ये तो उद्योगपतियों को खेती बेचे दे रहे हैं किसानों को गुलाम बनाने के लिए, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बना दी थी, ये कंपनियां ले आके इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। धान कृषि केंद्र जो बनाए गए थे वहां पर सिर्फ एजेंडों की ईंधन खरीदी गई है, ये बीजेपी के सब दलालों का खरीदा जा रहा, गांव किसान का किसका खरीदा गया? किसान तो बेचारा आज भी ट्रालियों में खड़ा है, उसका तो 800-900 रुपए में, 1000 रुपए में बिका है, कमीशन खोरी बीजेपी के समय में चरम सीमा पे है। किसान से प्यार के नाम से ही धनवाई की गई, किसानों से प्यार जलाने के लिए धनवाई की, अरे पराली जलाई, अब किसानों पे जिस तरीके का उत्पीड़न, ये तो किसान विरोधी लोग हैं, ये किसानों को तो आतंकवादी बता रहे हैं, तो उनको कहाँ किसान हितैषी हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं, किस तरीके से कितने लोग मर चुके, ये बेरहम और बेदर्द सरकार है, इस हुकूमत को हटाना पड़ेगा। औरैया से इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता SK यादव की स्पेशल रिपोर्ट।